का आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। देश स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के दुख से बाहर भी नहीं आया था देश कि अब एक मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर आ रही है। आपको बताते चले, बीआर चोपड़ा के महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। जी हाँ, आपको बताते चले, उन्होंने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार सोबती लंबे समय से बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने अपने मजबूत शरीर के दम पर एक खिलाड़ी के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। एक खिलाड़ी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद प्रवीण कुमार सोबती ने बॉलीवुड का रूप भी किया था। कई फिल्मों में विलेन का रोल भी किया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई थी बीआर चोपड़ा के महाभारत में, वहीं जिसमें उन्होंने भीम का रोल निभाया था। वहीं आपको बताते चले, इस किरदार ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया था। अपने दम पर शरीर के चलते भीम के किरदार में प्रवीण कुमार सोबती खूब पसंद किए गए थे। वहीं प्रवीण कुमार सोबती अपने एक्टिंग कैरियर के दौरान अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 1981 में आई रक्षा से अपने फिल्म में कैरियर की शुरुआत की थी। इसी साल आई मेरी आवाज सुनो में प्रवीण कुमार सोबती अहम रोल में नजर आए। वहीं आपको बताते चले, इन फिल्मों में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया था। फिर अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म सहनशाह में भी नजर आए थे। इसके अलावा चाचा चौधरी सीरियल में वह बाबू के किरदार दिखाई दिए थे। इसके अलावा चाचा चौधरी सीरियल में भी वह बाबू के किरदार में दिखाई दिए थे।